भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भुसावल शहर में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से नेशनल हाईवे नंबर 6 पर बड़े शहरों से जो नागरिक लॉकडाउन में पैदल व साइकिल पर अपने घर जाने के लिए निकले हुए हैं, ऐसे नागरिकों को मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से पहले सैनिटाइज किया जा रहा वो उन्हें ताजा खाने के पार्सल, ठंडा पानी, बिस्किट, नमकीन, फल, चाय के साथ साइकिल पर सवार मजदूरों को पंचर की व्यवस्था की जा रही है। ये सेवा सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक नेशनल हाईवे नंबर 6 पर शहर बैटरी के पास चालू है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल रोज करीब 500 लोगों की मदद कर रही है। जहां सभी संस्था रुक गई है वहां कुछ संस्था ऐसी भी है जो बिना रुके लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रही है। देखिए क्या कहा मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के पद अधिकारी ने। हमारे साथ बने रहे, अपने शहर और परिसर को साफ रखे और कोरोना वायरस से बचे। धन्यवाद। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भुसावल की जानिब से मैं नाजिम अहमद शाह, मैं कैशियर हूँ इस संस्था का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ हाईवे पर एक सहारा टेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें हम जो मजदूर तबका है बड़े शहरों से, जो मुंबई, पुणे, भिवंडी, यहाँ से जो पलायन करके अपने घरों को जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो हम रास्ते के लिए तोशा, जैसे नाश्ता वगैरह, खाना, खाने के पैकेट्स, बिस्किट, फल, केले वगैरह, ठंडा पानी, इसी के साथ साथ जो जो गरीबों की चप्पलें वगैरह टूटी हुई है तो उनको नई चप्पलें, प्लस अभी कुछ ही देर में हमारे डॉक्टर्स की एक टीम भी आएगी, अगर किसी को मेडिकल हेल्प लगती है तो वो हेल्प भी हम यहाँ से देंगे इंशाल्लाह।